हाय मम्मी। हाय आकाश, कम। पापा भी आए हैं। हाँ। उन्हें बुलाओ ना अंदर। एक्सक्यूज मी। पापा, मम्मी बुला रही हैं। हाय, अंदर आइए ना। कम। ऑसम। थैंक यू। मम्मी, पापा इस ड्रेस में एकदम हीरो लग रहे हैं ना? या, चलिए अंदर। या। पापा, आप रोज ऐसे ही कपड़े पहना करो। धोती और शर्ट में मजा नहीं आता। ओके, ब्यूटीफुल। हैप्पी बर्थडे शिवानी। अरे हाँ। थैंक यू। मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। आइए बैठिए। पापा, आपको हमारा घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। मम्मी ने बहुत अच्छा संभाला है। शिवानी, अंदर आना। आप लोग यहाँ बैठिए। शिवानी। आई मम्मी। ओहो। ये लो, उन्हें जाकर दो। आप जाकर दो ना। मैं क्यों? वो यहाँ पर लड़की देखने आए हैं क्या? जाओ तुम जाकर दो। नहीं, आप जाओ। जिद मत करो। कहा ना, आप जाओ और जाकर दो। पापा। हाँ? ये ड्रेस कैसी है? ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओहो पापा, मैं अपनी ड्रेस की बात कर रही हूँ। ओ, ये तो बहुत ही प्यारी है। मम्मी। हाँ? आप पापा के आने से पहले अलग अलग ड्रेस पहन के देख रही थी ना? अब तो पापा ने कह दिया ये बहुत अच्छी है। हे भगवान, जूस बहुत बढ़िया है, मम्मी ने अच्छे तरीके से बनाया है। पापा, ये पैकेट वाला जूस है। पैकेट जूस हुआ तो क्या हुआ, ढूंढ कर लाने में भी तो टैलेंट लगता है। आकाश, शिवानी, यहाँ आओ, केक काटते हैं। आइए ना। या। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shivani. Hey, तुमने किसी और को भी बुलाया है? नहीं मम्मी। तो फिर कौन आया? मैं जाकर देखती हूँ। सॉरी, आई एम संजय, अनु का हस्बैंड। शिवानी मेरी बेटी है। मैं शिवानी को पहली बार देख रहा हूं। हैप्पी बर्थडे शिवानी, लव यू बेटा। उस गैंगस्टर ने मुझे गोली मारी, मुझे पता नहीं था मैं जिंदा बचूंगा, पर मेरा जिंदा बचना मेरे लिए दूसरा जन्म नहीं था, तुम्हें ढूंढना था। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर एक दिन तुम्हें न्यूज में देखा, तब मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। आई एम सो हैप्पी नाउ। जैसा कि तुम चाहती थी, एज सून एज पॉसिबल हम लोग लीगल शादी कर लेंगे। शिवानी, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर यू बिकॉज योर डैड इज बैक। एंजॉय द डे। सी यू लेटर।
संजय, संजय हटिए हटिए, आने दीजिए, जगह बनाइए, हटिए हटिए, हट जाइए, अब बाहर वेट कीजिए। अनु, अनु, क्या हुआ तुझे? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, संजय को गोली लगी है। ओह नो, साइड हट जाइए, इमरजेंसी है, रास्ता खाली कीजिए। एक्सक्यूज मी, हटिए। क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं सिमर मेडिकल सेंटर में। मैडम ये आईसीयू एम्बुलेंस है, आप इसमें नहीं आ सकते। हम सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। Excuse me, a patient was brought from Sanjeevan Hospital. Do you know the operating theater? Patient का नाम? Sanjay. Sanjay Sharma. One sec, ma'am. Sorry, ma'am. इस नाम का कोई patient नहीं है. No, he was brought from Sanjeevan Hospital in your ambulance. नहीं, ma'am. हमने कोई ambulance नहीं भेजी. Are you sure? Yes, ma'am. Please check it out with some other hospitals. Seamer Medical Center बोला था. फिर वो कहाँ लेकर गए होंगे? Okay, okay. तो मेरे साथ चल. आप में से अनु कौन है? मैं। अंदर बुलाएं। प्लीज बी सीटेड। संजय शर्मा को कितने वक्त से जानती हैं? पिछले एक साल से, जब मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी हम लोग वहीं मिले थे। तो आप दोनों एक साल से साथ में हैं, बिना शादी किए? यस सर, वी आर लिविंग टुगेदर। और आपके परिवार के लोग? वो सभी कनाडा में रहते हैं। आप कभी संजय के परिवार से मिली? मैं उनसे कभी नहीं मिली, वो बेंगलुरु में है। असल में हम मिलने जाने वाले थे और हमारी शादी होने वाली थी, इसी दौरान ये सब हो गया। आपके परिवार को पता है कि आप शादी करने वाली हैं? नहीं सर। अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? आपको शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं You are pregnant. Right? Yes, sir. जसवंत मल्होत्रा की बेटी हो ना? Yes, sir. आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? Okay. तुम और संजय ने ही इस लड़की के बाप को मारा है ना? और तुम अभी भी इसके दोस्त होने का नाटक कर रही हो, किस लिए? सर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। Shut up! You know everything. संजय को गोली किसने मारी है? इस समय संजय कहां है? तुम सब जानती हो। Don't play with us. मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। मेरा विश्वास कीजिए, कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम जैसा समझती हो संजय वैसा आदमी नहीं है। He is a professional killer and a sharp shooter. तुम्हारी दोस्त के पिता जसवंत मल्होत्रा इंडिया के मशहूर जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। उन्हें पता लग चुका था प्लूटोनियम की खान भारत में कहां कहां है और भारत को इसका फायदा दिलाने के लिए इसे एक रहस्य बना रखा था। दूसरे देश के कुछ लोगों को यह जानकारी चाहिए थी, इस काम के लिए उन्होंने इंडिया के गैंगस्टर्स को चुना। संजय उन्हीं में से एक था। साइंटिस्ट जसवंत मल्होत्रा की सिक्योरिटी को पार करना नामुमकिन था। जैसा कि साइंटिस्ट की बेटी तुम्हारी दोस्त थी, उसने तुम्हारा इस्तेमाल उसके घर में घुसने के लिए किया। उन्हें मारने के लिए वो तुम्हारे साथ पार्टी में आया। अरे रुको रुको रुको, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी तलाशी की जरूरत नहीं। हाय नू, कैसी हो? दिस इज संजय। हाय हाय संजय, सब कुछ अच्छे से होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। Thank you.
उस दिन से हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि उसके पीछे कौन है। हमने उसे खुला छोड़ा हुआ था, और ये जो संजय को गोली लगी है और उसका अपहरण हुआ है, उसके पीछे उसी गैंग का हाथ हो सकता है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। अनु, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कलकत्ता छोड़ दो, और ये बात तुम अपनी दोस्त को भी मत बताना, ये तुम्हारे और होने वाले बच्चे के लिए जरूरी है। क्योंकि तुम मेरे शहर की रहने वाली हो, इसलिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। चली जाओ, चली जाओ तुम यहां से। गो, गो अवे। तुम्हें ऐसे गुंडे से डरने की जरूरत नहीं जिसने तुम्हें और शिवानी को अकेले छोड़ दिया। जब तक तुम और शिवानी अकेले रहोगे तब तक परेशानी आएगी। बेटा ये मत समझना कि मैं एहसान कर रहा हूं, बल्कि हकीकत तो यह है कि मैं खुद तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। बैठिए ना अंकल। इससे मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी नहीं बल्कि मेरे पोते को अच्छी माँ भी मिल जाएगी। नहीं अंकल, एक और शादी, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। इस वक्त मैं सिर्फ शिवानी और उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए तो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देना चाहती हो तो मुझे लगता है तुम्हें शादी करनी चाहिए। भास्कर भी शिवानी को बहुत चाहता है। मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं अंकल, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। बात यह है कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। सॉरी अंकल। इट्स ओके, मैं तुम पर बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहता बेटा। मैंने ही दादू को आपसे बात करने के लिए कहा था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मुझे पता होता कि आपको इतना दुख होगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। I'm sorry, मम्मी। I'm really sorry।